हेलो एवरीवन, आई एम साकेत बाजपेयी, डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून। चलिए बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1.18 ऑफ इरोडोव। एंड द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग द एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी हुज प्रोजेक्शन वी एक्स इज प्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बाय द प्लॉट इन फिगर 1.3। एज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो एट द मोमेंट टी इक्वल टू जीरो, draw the approximate time dependence plots for the acceleration wx, the x coordinate and the distance s covered। चलिए तो फिर try करते हैं इस सवाल को। देखिए बच्चों, सवाल में basically ये कहना चाह रहा है कि ये जो point है ना, वो travel कर रहा है सिर्फ x axis के along, और अपने को velocity दी हुई है ना, vx दिया हुआ है अपने को, और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि कभी इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है और कभी वेलोसिटी नेगेटिव भी हो जा रही है। इनफैक्ट कुछ मोमेंट्स पर तो इसकी वेलोसिटी जीरो भी है। ठीक है, अब अपने को ये कहा गया है कि जब ये कहां पर था, x इक्वल टू जीरो पर था, उस मोमेंट को आप क्या असाइन करिए, t इक्वल टू जीरो, और हमें बताना है एक्सेलरेशन का, पोजिशन का और डिस्टेंस का ग्राफ। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मेरा फोकस रहेगा एक्सेलरेशन डब्ल्यू एक्स, है ना, वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाने के लिए। तो पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में एनालाइज करने वाला हूं। ठीक है बच्चों, हमारे को ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन बेसिकली होता है डी ऑफ वी अपॉन डी टी। तो यहां पर सारी चीजें एक्स के लॉन्ग है, तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि जो एक्सेलरेशन डब्ल्यू एक्स इन्होंने कहा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डी ऑफ वी एक्स अपॉन डी टी, है ना। मतलब कि बेसिकली अपने को इस ग्राफ का क्या देखना है, स्लोप देखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस ग्राफ को हम लोग अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं टी बराबर जीरो से लेकर के टी इक्वल टू वन तक, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि स्लोप इस ग्राफ का क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा 1/1, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 है और बेस भी 1 है। तो t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डब्ल्यू एक्स कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, है ना। और यहां पर अपने को यह देखना होगा कि यूनिट क्या रखें। तो अगर मैं ये मान लू कि सारी चीजें यहां पर SI यूनिट में दी हुई है, तो डब्ल्यू एक्स भी किस में आ जाएगा, SI यूनिट में आ जाएगा, है ना। मतलब कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सारा जो डेटा है इसमें किस में दिया हुआ है, SI यूनिट में दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 तक की, है ना, t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 तक की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं, अब स्लोप तो जीरो है, है ना, क्योंकि जो वी एक्स है वो कॉन्स्टेंट दिखाई दे रहा है। तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू एक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस इंटरवल में। करेक्ट है यह बात। अब हम लोग बात करते हैं t इक्वल टू 3 से लेकर के t इक्वल टू 6 तक की, है ना। तो अगर इस इंटरवल की हम लोग बात करें, तो हमारे को यह दिख रहा है कि इस ग्राफ का स्लोप कैसा है, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्लोप हम लोग हमेशा मेजर करते हैं पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो यहां पर पॉजिटिव टाइम की एक्सिस के साथ हम लोग मेजर करेंगे यहां पर इसके स्लोप को। तो अगर मैं इस एंगल को लेट अस से कि थीटा बोल रहा हूं, तो मेरे को यह समझ में आ रहा है कि टैन ऑफ थीटा वो मुझे बेसिकली दे देगा डब्ल्यू एक्स, जो कि नेगेटिव आने वाला है। और अगर मुझे उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं इसके ये जो दूसरा एंगल है ना, जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है, उसको लेट अस से मैं फाई कह दे रहा हूं। तो टैन ऑफ फाई ये बेसिकली मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा माइनस ऑफ डब्ल्यू एक्स। तो टैन फाई निकालना ज्यादा आसान है। आप देखिए टैन फाई कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, है ना। बेसिकली ये हाइट 3 है और बेस कितना है, 1, 2, 3, है ना। तो यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है कि tan ऑफ phi उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब डब्ल्यू एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर मैं 3 से 6 इंटरवल के लिए क्या बोल सकता हूं, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों अगर मैं फाइनली बात करूं किस इंटरवल की, अब मैं फाइनली बात करूंगा t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7 की। तो t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 7, इसके लिए अगर मैं बात करूं, तो इस बार देखिए स्लोप कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर है 1, 1, मतलब 2, 2/1, है ना। tan ऑफ दिस एंगल कितना हो जाएगा, 2/1,
तो यहां पर मैं लिख देता हूं डब्ल्यू एक्स इस बार कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, है ना। और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं कब बोल पा रहा हूं, जब मैंने क्या अज्यूम किया कि सारी की सारी डिटेल्स जो यहां दी हुई है वो किसमें है, एसआई यूनिट में है। तो चलिए बच्चों, इन डेटा के हिसाब से अगर मैं ग्राफ बनाने का सोचूं, तो यहां पर मैंने डब्ल्यू एक्स और टी को यहां पर डिनोट कर रखा है। अब देखिए, टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू वन की अगर बात करें, तो डब्ल्यू एक्स को कितना रखना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये देखिए बच्चों, मैंने ग्राफ में दिखा दिया यहां पर कि t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू वन तक डब्ल्यू एक्स क्या है, कॉन्स्टेंट है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। उसके बाद देखिए अब मुझे क्या करना है, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 तक, है ना, मुझे क्या शो करना है कि डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये देखिए मैंने बच्चों यहां पर दिखा दिया है कि t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 तक एक्सेलरेशन कितना है, बिल्कुल 0 है ना। अब देखिए क्या करना है, t इक्वल टू 3 से लेकर के, है ना, t इक्वल टू 3 से लेकर के t इक्वल टू 6 तक अपने को एक्सेलरेशन कैसा दिखाना है, कॉन्स्टेंट, और उसकी वैल्यू कितनी रखनी है, -1। तो चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो ये देखिए बच्चों, मैंने t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 6 तक क्या दिखा दिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और बच्चों अब फाइनली मुझे क्या दिखाना है कि t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7 तक एक्सेलरेशन कितना हो गया, वो हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये देखिए बच्चों, मैंने ये भी दिखा दिया कि t इक्वल टू 6 से t इक्वल टू 7 तक एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो ये हमारा कंप्लीट ग्राफ किसका बन गया, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का। तो अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाने का, जिसका मतलब होगा पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ। देखिए बच्चों, हमारे को यह पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ vdt, ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ये बात। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहां पर कैसा होगा, आप ऐसे सोचिए कि इनिशियल पोजिशन यहां पर क्या दी हुई है, इनिशियल पोजिशन यहां पर दी हुई है 0, है ना। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल। लेकिन x इनिशियल 0 है, तो बेसिकली हमें क्या दे रहा है, x फाइनल, जिसको हम लोग सिंपली x भी बोल सकते हैं, है ना। मतलब कि अगर मैं एरिया अंडर vt ग्राफ लूं, कब से कब तक, 0 से उस पर्टिकुलर टाइम तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे उस पर्टिकुलर टाइम पर उस पार्टिकल की पोजिशन मिल जाएगी। क्लियर है ये बात। तो अगर मैं बच्चों यहां पर बात करूं t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 तक की, तो यहां पर आपको दिख पा रहा होगा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। और इस पर्टिकुलर केस में हमारे को यह समझ में आ रहा है कि एरिया अंडर द ग्राफ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा 1 और हाइट भी हो जाएगा 1, मतलब ये आ गया हाफ, है ना। तो इसको मैं हाफ मीटर्स बोल सकता हूं क्योंकि मैंने ये माना है, और सवाल में कुछ भी नहीं दिया था तो मैं मान सकता हूं, है ना। तो मैंने क्या माना कि ये हाफ मीटर हो गया, है ना। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या थी, 0 थी, और t इक्वल टू 1 पर x की वैल्यू क्या हो गई, हाफ हो गई। क्लियर है। अब ग्राफ कैसा बनेगा उसके बारे में चर्चा में थोड़ी देर बात करूंगा। अब बात करते हैं t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू कब तक की, t इक्वल टू 3 तक की, है ना। तो t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 की अगर मैं बात करूं, तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से गया, और वो वेलोसिटी कितनी थी, 1 थी, और कितने देर तक के लिए गया, 2 सेकंड के लिए गया। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1 × 2, जो कि हो जाएगा 2 मीटर्स, है ना। तो मतलब कि अगर मैं पोजिशन की बात करूं, x की बात करूं, तो t इक्वल टू 1 पर पोजिशन क्या थी, हाफ थी। t इक्वल टू 3 पर पोजिशन कितनी हो जाएगी, 2 + ½, मतलब कि 2.5। मैंने ऐड क्यों किया हाफ, क्योंकि वो ऑलरेडी t इक्वल टू 1 पर कहां पर था, x इक्वल टू हाफ पर था। अब बात करते हैं बच्चों t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 6 तक की। मैंने 3 और 6 को ही क्यों चुना, क्योंकि 3 और 6 में मैं देख पा रहा हूं कि इसके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट है, है ना। तो यहां पर मैं अगर देखूं तो एरिया कितना आ जाएगा, देखिए यहां पर अपने को थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि 3 से 4 तक में इंटीग्रेशन ऑफ vdt कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन 4 से 6 तक में अगर मैं देखूं
तो इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी कैसा आ जाएगा, वो आ जाएगा नेगेटिव, है ना। और एक और चीज सिमेट्री से हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 से 4 में जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है 4 से 5 के केस में, है ना। तो बेसिकली अपने को कौन सा एरिया देखना चाहिए यहां पर, अपने को देखना चाहिए ये वाला एरिया, है ना, क्योंकि 3 से 6 तक में यही वो एरिया है, यही वो इंटीग्रेशन ऑफ वीडीटी है जो रह जा रहा है ना, और ये वैसे भी नेगेटिव आना है। तो मैं ये एरिया कितना बोल दूंगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि कितना हो जाएगा 1 + 2 विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हो जाएगा 1, है ना, और साथ में मैं नेगेटिव साइन भी लगा देता हूं। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितने का आ गया, ये आ गया -1.5 का। तो टी इक्वल टू 3 पर पोजिशन क्या थी, 2.53। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, -1.5 का हुआ ना, तो इसका मतलब उसकी नई पोजिशन कितनी हो जाएगी, 2.5 - 1.5, मतलब ये हो जाएगा 1 मीटर, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 मीटर आ गई, लेकिन कब, t इक्वल टू 6 पर। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग t इक्वल टू 6 से लेकर के t इक्वल टू 7 तक की, है ना, t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 7 तक की बात करते हैं। तो ये जो इंटरवल है इसमें अगेन अपने को दिख रहा है कि एरिया, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ vdt कैसा आएगा, वो नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ vdt या फिर डिस्प्लेसमेंट, वो आ जाएगा माइनस ऑफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा 1 और हाइट हो जाएगा 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। तो बड़े आराम से हम लोग देख पा रहे हैं कि t इक्वल टू 6 पर उसकी पोजीशन थी 1, लेकिन अगले एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट -1 का हुआ, तो वापस से वो कहां पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया, मतलब कि x इक्वल टू 0 पर आ गया वो। तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने ऑलरेडी आपकी मदद के लिए यहां पर बना रखा है कि जैसे t इक्वल टू 1 पर वो कहां पर होगा, 0.5 पर होगा, t इक्वल टू 3 पर उसे कहां होना चाहिए, 2.5 पर होना चाहिए, फिर t इक्वल टू 4 पर उसे कहां पर होना चाहिए, 3 पर होना चाहिए, है ना। ये t इक्वल टू 4 वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसे देख लीजिए, t इक्वल टू 4 पर, है ना, अगर आपको चेक करना है कि वो कहां पर होगा तो आपको ये पूरा का पूरा एरिया चाहिए होगा। तो ये पूरा का पूरा एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये बेसिकली एक है ट्रेपीजियम, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 1 + 1 = 2, ये तो 2 हो गया और नीचे वाला 4 हो गया, तो 4 + 2 = 6 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो बेसिकली एक चीज हम लोग देख पा रहे हैं यहां पर कि t इक्वल टू 4 पर उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन है x इक्वल टू 3। तो वही मैंने यहां पर एक्चुअली पॉइंट यहां पर शो कर रखा है ना, t इक्वल टू 4 पर x इक्वल टू 3। उसके बाद फिर x इसका लगातार और कम होता जाएगा, है ना, x की वैल्यू कम होती जाएगी इसकी, और उसके बाद क्या होगा, t इक्वल टू 6 पर उसकी पोजीशन 1 है, और t इक्वल टू 7 पर उसकी पोजीशन क्या हो गई, 0 हो गई ना, x कोऑर्डिनेट उसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ वी हैव टू थिंक हाउ टू कनेक्ट दीज डॉट्स। तो देखिए बच्चों यहां पर t इक्वल टू 0 से अगर 1 की बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है ना, इसमें वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो अगर वेलोसिटी लगातार बढ़ती भी अपने को दिखानी है ना, तो अपने को एक ऐसा ग्राफ बनाना होगा जिसका स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद क्या देखना होगा कि 1 से लेकर के 3 तक जो स्लोप है वो कैसा रहे, बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहे, है ना, क्योंकि t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 3 तक हम लोग देख पा रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी कैसी है, बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, है ना। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि t इक्वल टू 3 से t इक्वल टू 6 तक इसका मोशन कैसा है, इसका मोशन डीसेलरेटेड है, मतलब कि अब जो है इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जा रही है, घटती जा रही है ना। तो मेरे को कैसा ग्राफ बनाना पड़ेगा 3 से लेकर के 6 तक, तो देखिए 3 से 6 तक में बेसिकली मेरे को ऐसा ग्राफ बनाना होगा सच दैट कि मैं ये शो कर सकूं कि वेलोसिटी उसमें घट रही है। और वो मैं कैसे शो करूंगा, मैं ये दिखाऊंगा कि उसका जो स्लोप है ना, वो लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और स्लोप को मैं एग्जैक्टली 0 कहां पर दिखाऊंगा, एट टी इक्वल टू 4 पर, क्लियर है ये बात। उसके बाद 6 से 7 तक मैं क्या शो करूंगा, 6 से 7 तक में ही मैं ये शो करूंगा कि अब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, मतलब कि स्लोप लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो चलिए इन सारी चीजों को इस ग्राफ में रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये मैंने बनाया है x एज अ फंक्शन ऑफ
टाइम का ग्राफ है ना, मैंने क्या मेक श्योर करा कि टी इक्वल टू जीरो से टी इक्वल टू वन तक जो स्लोप रहे वो लगातार बढ़ता हुआ दिखे, उसके बाद टी इक्वल टू वन से टी इक्वल टू थ्री तक मैंने जो ग्राफ बनाया वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद का जो ग्राफ है ना टी इक्वल टू थ्री से टी इक्वल टू सिक्स तक का, उसमें आप देख पा रहे हैं कि स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, जैसे स्लोप पहले पॉजिटिव था फिर जीरो हुआ फिर नेगेटिव हो गया, क्लियर है ये बात। और उसके बाद है ना टी इक्वल टू सिक्स से टी इक्वल टू सेवन पे मैंने क्या दिखाया है, इस दौरान की स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, जैसे यहां पर स्लोप कैसा था, नेगेटिव था, और टी इक्वल टू सेवन पर क्या हो गया एग्जैक्टली स्लोप जो है वो जीरो हो गया, तो नेगेटिव स्लोप से तो जीरो स्लोप ऑब्वियसली बड़ा है। और मैंने टी इक्वल टू सेवन पर जीरो स्लोप क्यों दिखाया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टी इक्वल टू सेवन पर वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का कंप्लीट ग्राफ। चलिए तो अब अपना मोटिव है बच्चों क्या बनाना, अब अपना मोटिव है एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए मैं सहायता ले रहा हूं पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ग्राफ की। देखिए शुरुआत में क्या हो रहा था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता ही जा रहा था, तो जब तक एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा था तब तक मैं देख सकता हूं कि एक्स टी ग्राफ और एस टी ग्राफ, मतलब पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ और डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ग्राफ बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए टी इक्वल टू फोर के बाद एक्चुअली वो हो रहा है कि उसका जो पोजिशन है वो घट रहा है ना, पोजिशन उसका वापस से घटते घटते जीरो हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस कम तो नहीं हो सकता है ना। तो हम लोग कैसे एक्स टी ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे वो मैं अब आपको बताता हूं। आपको बच्चों बस यही करना है कि यहां पर जो है ना, यहां पर अपने को टी इक्वल टू फोर से आगे का जो पोर्शन है ना, उसमें अपने को यहां पर मिरर मानना है और जो नीचे ग्राफ है उसको उठा करके ऊपर ले जाना है, बस इतना चेंज लाना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि अगर यहां पर वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है ना, ये तो ऑब्वियस है। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि टी इक्वल टू फोर से लेकर के टी इक्वल टू सेवन तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव हो रही है, यही तो दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, अगर उसका मैं मिरर इमेज ऊपर की तरफ ले लूंगा तो वो वापस से क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब बेसिकली हम लोग वेलोसिटी को स्पीड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहां पर मैंने ग्राफ बनाने की कोशिश करी है बिल्कुल मिरर इमेज जैसा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टी इक्वल टू फोर से लेकर के टी इक्वल टू सिक्स तक है ना, अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहां पर, स्लोप, तो वो शुरुआत में यहां पर टी इक्वल टू फोर पर क्या था, जीरो था, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव हो गई थी है ना, तो उसका जब मैंने मिरर इमेज ले लिया तो वो अगेन क्या बन गया, स्पीड बन गया, क्योंकि अब देखिए स्लोप पॉजिटिव है, पूरे दौरान स्पीड क्या है, पॉजिटिव है ना। और अब देखिए यहां पर टी इक्वल टू फोर से टी इक्वल टू सिक्स तक लगातार इसका स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, मतलब ये ऑब्वियस भी था क्योंकि टी इक्वल टू फोर पर स्पीड जीरो थी, उसके बाद स्पीड बढ़ रही है। और उसके बाद क्या हुआ, टी इक्वल टू सिक्स से टी इक्वल टू सेवन तक अब जो है स्पीड कम हो रही, क्योंकि आप देखिए स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और टी इक्वल टू सेवन तक स्पीड क्या हो गई, टी इक्वल टू सेवन पर स्पीड बिल्कुल जीरो हो गई है ना। तो वो यहां पर मैं स्लोप को इस तरीके से वेरी करा करके आपको दिखा रहा हूं है ना। तो नोट करने लायक बात क्या है कि t इक्वल टू फोर से t इक्वल टू सिक्स तक स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन t इक्वल टू सिक्स से t इक्वल टू सेवन तक मैंने क्या दिखाने की कोशिश करी कि स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और वो मैंने कैसे दिखाया, बाय शोइंग दैट द स्लोप इज डिक्रीजिंग है ना। स्लोप देखिए t इक्वल टू सेवन पर एग्जैक्टली मैंने कैसा दिखाया है, जीरो दिखाया है, क्लियर है ये बात। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो सवाल था वो समाप्त हो गया, हमने तीनों ही ग्राफ देख लिए और आई होप कि आपको काफी हेल्प मिला होगा। इन केस यू फील एनी डिफिकल्टी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।